नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ जोन में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जैक की तरफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मैं आज उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो इस वीडियो पे बने रहें आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। तो फुल मार्क्स कितना नंबर का है सर? 70 मार्क्स का फुल मार्क्स है, ठीक है। फुल मार्क्स कितने मार्क्स का है सर? 70 मार्क्स का है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसमें पासिंग मार्क्स जो होता है ना आप लोगों का बच्चों, 23 लाना है। कितना लाना है पासिंग मार्क्स? 23 लाना है। 70 मार्क्स में आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? बोल रहा है कि ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। आप लोग चार्ज का भाषा में पॉजिटिवली और नेगेटिवली जानते होंगे। पॉजिटिव क्या करता है सर? पॉजिटिव हमेशा देने का काम करता है चार्ज के भाषा में, और नेगेटिव क्या करता है सर? लेने का काम करता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा सर? पॉजिटिव चार्ज हमेशा, मतलब किसी को चार्ज दिए तो, चार्ज दिए तो आपके पास जैसे पैसा है, तो आपने किसी को पैसा दिया तो क्या आपका क्या करेगा? आपका पैसा डिक्रीज करेगा, मतलब कम होगा ना बाबू। 100 रुपया था, आपने किसी को दिया तो 50 रुपया हुआ। तो आप लोग चार्ज का भाषा में बोलिएगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है सर? पॉजिटिव चार्ज हमेशा डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है इफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 60 ओम इज अ कट इन टू 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने बोल रहा है सर कि 16 ओम का एक रेसिस्टेंस जो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, मतलब अलग अलग पार्ट में कट कर रहा है। तो बोल रहा है अटैच इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, पैरेलल का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, सीरीज का और पैरेलल का। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन फंसता है, तो इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब मान के चलिए पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 by 1 सर। तो देखिए बोल रहा है कि इफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 60 ओम, मैंने एक वायर दे रखा है उसका कितना ओम का? 60 ओम का दे रखा है। तो कट बोल रहा है कि सर कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में कट कर रहा है सर? 4 पार्ट्स में कट कर रहा है। And attach in the parallel combination the equivalent resistance, ठीक है। तो बोल रहा है कि parallel में, तो parallel का formula जानते हैं क्या होता है? 1 by Cp = 1 by C1 + 1 by C2 + 1 by C3, ठीक है। तो बस चार तरह का कार्ड दे रहा, तो 1 by 16 इसका क्या करेक्ट आंसर? A हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आपका ये करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? क्रिचॉप्स पॉइंट रूल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्रिचॉप्स का लॉ किस लॉ पे कंजर्वेशन करता है, किस लॉ पे काम करता है? तो क्रिचॉप्स का लॉ हम लोग जानते हैं किस पे काम करता है। तो हम लोग क्रिचॉप्स का लॉ एनर्जी पे काम करता है बाबू। किस पे काम करता है? एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। बोल रहा है चार नंबर में, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। मैंने दो को लॉन्ग पैरेलल वायर दिया है, उसका करंट कितना दे रखा है सर? 1 एम्पियर का करंट दे रखा है। कौन सा डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में बाबू? सेम डायरेक्शन में। इन द प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, दो को लॉन्ग पैरेलल वायर दिया हुआ है उसमें, उसमें बोल रहा है कि सर 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, और कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे लॉन्ग पैरेलल वायर के लिए। मैंने जैसे मान लीजिए हम लोग दो को लॉन्ग पैरेलल वायर बनाइए, कौन से डायरेक्शन में बोल रहा है? सेम डायरेक्शन में। मान के चलिए कि आई एम्पियर का करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें भी कहां जाएगा? आई ऊपर का करंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डी ले लेते हैं, तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? तो अट्रैक्शन का हम लोग जान सकते हैं क्या हो जाएगा सर? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर इनवर्स, या बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आपका ए देखिए करेक्ट आंसर यहां से जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, द पांच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस बताना है किसका सर, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस बताना है। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट का मतलब जानते बाबू आप तो क्या होता है, एसी सर्किट का मतलब होता है सर अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट रहना चाहिए। किसके लिए फेज डिफरेंस बताना है, करंट और वोल्टेज के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, जब भी आपका करंट और वोल्टेज का बात करे, करंट और वोल्टेज का बात करे किस में, सर्किट में, तो याद रखिएगा उस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको डिफ्लेक्ट करता है, एक डिफ्लेक्ट करता है एक रिफ्लेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात किया बाबू यहाँ पे डिफ्लेक्ट करने के लिए, तो किसको डिफ्लेक्ट करता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है, ना मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है, ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है। तो किसको डिफ्लेक्ट करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा लाइट के केस में किसको डिफ्लेक्ट करता है, लाइट के केस में किसको डिफ्लेक्ट करेगा, लाइट के केस में डॉक्टर को करेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैंने बोल रहा है कि सर कि एक वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं सर किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं। तो ग्लास में दे रखा है कितना 4.3 और उसके साथ में क्या दे रखा है 3.2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या हो जाएगा, तो इसका आपका 9/8 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर और लेंथ इसका दे रखा है 25 सेंटीमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल पहले तो बोल दिया कि एस्ट्रोनॉमिकल इसका कितना दे रखा है टेलीस्कोप का 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दे रखा है सर 25 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ नॉर्मल एडजस्ट, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हाइजेंस वेव थ्योरी याद रख लीजिएगा बाबू, हाइजेंस वेव थ्योरी का जब भी बात करें, हाइजेंस वेव थ्योरी का जब भी बात करें तो वो हाइजेंस वेव थ्योरी किसको क्या करता है, हाइजेंस वेव थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हाइजेंस ने एक्सप्लेन नहीं किया था, एक और आया था फेराडे, फेराडे ने हाइजेंस के जगह पे एक्सप्लेन कर दिया। तो हाइजेंस किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिर वेवलेंथ क्या है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा था, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम ऑफ फ्रीक्वेंसी का फोटोन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, तो हम लोग जानते हैं सर फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बोल रहा है द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, न्यूक्लियस का रेडियस पूछ रहा है कौन सा ऑर्डर के फॉर्म में, क्या हो जाएगा ऑर्डर के फॉर्म में सर, तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का ऑर्डर के फॉर्म में हो जाता है सर क्या होता है सर 10^-15 मीटर। देखिए तो आपका 10^-15 मीटर कह दिया, सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बोल रहा है 14 नंबर, इफ द 4 बाइडन एनर्जी गैप इन सब्सटेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आप लोग जान रहे होंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फंसाने के लिए ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दे पूछ देता है कभी कभी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना बाबू उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी वैल्यू होता है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू एक बार लिख दीजिए सर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है बाबू 1.6 × 10^-19। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, तो मुंह में याद रहना चाहिए बाबू 1.6 × 10^-19 कूलम। ठीक है, चलिए तो इसका आप बोल रहा है कि 4 बाइडन एनर्जी गैप इज सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी आपका 4 बाइडन एनर्जी बोले तो उसमें सेमी कंडक्टर का यूज होता है, किसका यूज होता है, सेमी कंडक्टर का यूज होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है 14 नंबर आप लोग क्लियर है बाबू। चलिए 15 नंबर देख लेते क्वेश्चन क्या बोलता है,
15 नंबर बोल रहा है इन सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, आ गया यहाँ पे सेमीकंडक्टर का भी, कंडक्टर का बात किया था अभी, अब किसका बात कर रहा है सेमीकंडक्टर का। तो हम लोग जानते हैं सर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी किसके द्वारा होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के। सर इलेक्ट्रॉन क्या है, सर इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जान रहे हैं चार्ज है, और होल्स क्या है सर, होल्स किसी भी मतलब जैसे कि मान लीजिए बता देते आप लोग होल्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक मतलब सर्किट है, सर्किट में जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का भाषा में बाबू पॉजिटिव पॉजिटिव को हम लोग होल्स बोलते हैं, ठीक है, और माइनस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग एक वीडियो में बताया होगा मैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बाबू, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि सर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी किसके द्वारा, सेमीकंडक्टर का बात कर रहा है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये सब आने का चांस है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। चलिए देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये सब दो नंबर का क्वेश्चन है बाबू, लेकिन जैक बोर्ड फंसाता क्या करता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन यही सब आप लोग को उठा के दे देगा, ठीक है। तो ये लोग दो मार्क्स का क्वेश्चन है, दो मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। ये देखिए दो मार्क्स का जो होता है ना जैक के तरफ से, ये दो मार्क्स का अब बाबू आप लोगों को क्वेश्चन, दो मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एक नंबर का क्वेश्चन फंसाता है, फंसाने के लिए आप लोग को इतना दिया है ना मेंशन एनी टू इट्स प्रॉपर्टी, इसको हटा देगा बाबू और एक नंबर में क्वेश्चन डाल देगा, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, सब एग्जाम के अच्छा से प्रिपरेशन करिए, एकदम फोड़ दीजिए जैक बोर्ड के एग्जाम को, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।